हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। क्रैक डिफेंस एग्ज़ाम में आपका फिर से स्वागत हूँ। मैं हूँ आपका नया साथी और मैं आपको बताऊँगा गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स के बारे में हर वीकेंड क्या नया है, ठीक है, और कैसे आप जॉब की तैयारी कर सकते हो। तो मैं आपको कुछ ओल्ड क्वेश्चंस पेपर्स बताऊँगा इसमें और करवाऊँगा भी, साथ में मैं कुछ इम्पोर्टेंट्स जो क्वेश्चन हैं वो आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी को करते हुए, ठीक है। सो आज मैं आपको ये बताऊंगा, वैसे तो आप पहले से जानते होंगे सरकारी रिजल्ट के बारे में, है ना, बट मैं आपको इसमें क्लियर पॉइंट बताऊंगा कि क्या क्या आपको एग्ज़ाम भरनी चाहिए और क्या क्या आपको नहीं भरनी चाहिए। और आजकल इतना टाइम नहीं होता कि आप गूगल पे सर्च करें, है ना, तो आप एटलीस्ट यूट्यूब तो दिन में एक या दो बार तो देखते ही होंगे। तो जब इतना देखते हो तो यहाँ पर आप वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि हर आपका अपडेट दूँगा आपको। तो चलिए चलिए शुरू करते हैं। आज जैसे कि आप देख रहे हो 21/1/2022 हो चुकी है, सो मैं आज के हिसाब से चलूँगा जो लेटेस्ट में जिनकी डेट ख़त्म होने वाली है, ठीक है। अभी आप जैसे देख रहे हैं इसमें एक यूके एसएससी जूनियर इंजीनियर ऑनलाइन का ये फॉर्म आया हुआ है, ठीक है, और इसको आप भर सकते हैं। ये उत्तराखंड सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का है, बेसिकली जो वहाँ के लोग हैं वो तो भर ही सकते हैं, बाकी जो और राज्य के हैं वो भी भर सकते हैं। जो जनरल और ओबीसी, इसमें फीस बिल्कुल जीरो है, ठीक है। तो एप्लीकेशन बिगेन हो चुके थे 15/12 से और लास्ट डेट है 28/1/2022, ठीक है। इसमें जूनियर इंजीनियर की 25 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर सिविल पावर की 5 है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 10 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर की 15, ठीक है, और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की 10। और जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एज है आपकी 18 से 42 तक, और आपको पॉलिटेक्निक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जो विदाउट पॉलिटेक्निक है उनके लिए ये नहीं होगा, ओके। तो ये आपको अगर फॉर्म भरना है तो आप यहाँ से जाइए, ठीक है। एप्लीकेशन ऑनलाइन पहले रजिस्ट्रेशन करिए, अपना रजिस्ट्रेशन करवा के आफ्टर यू कैन फिल द फॉर्म, ओके। इसके बाद अगर हमने ये वाला देख लिया है तो इसके बाद आता है MP PSC कंप्यूटर प्रोग्राम ऑनलाइन का। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 24 और ये मध्य प्रदेश का है, बेसिकली गवर्नमेंट जॉब है कंप्यूटर प्रोग्राम रिक्रूटमेंट का। अगर आप कंप्यूटर है और कंप्यूटर की नॉलेज है आपको और कंप्यूटर में सर्टिफिकेट है या कोई डिप्लोमा है या कोई डिग्री ले रखी है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। इसकी लास्ट डेट 24 है, ठीक है, और फीस यहाँ पर दे रखी है 535 फॉर जनरल, रिजर्व कैटेगरी 285, ठीक है, और करेक्शन चार्ज 50 होगा अगर आपने कुछ गलत कर दिया है। तो मैं यही कहूँगा जब आप फॉर्म भरते हो तो बिल्कुल आंखें खोल के फॉर्म भरे, ठीक है, और एकदम सही भरे फॉर्म को। सो इसमें पोस्ट बहुत कम है, सिर्फ 2 ही पोस्ट निकली है, जनरल ओबीसी के लिए ही है ये, ठीक है। BE BTech मांगा है इसमें और MP रोजगार पंजीयन रजिस्ट्रेशन। सो अगर आप अपनी तरफ से बिल्कुल हो पक्का विश्वास आपको कि मैं निकाल सकता हूँ तो ही आप इस फॉर्म को भरे, क्योंकि 2 ही पोस्ट है इसमें। अगर आप नहीं हो यकीन तो मैं तो आपको सजेशन दूंगा कि आप ना ही भरे इस फॉर्म को, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, दूसरा है MP हाई कोर्ट का, ये भी मध्य प्रदेश में है, हाई कोर्ट लेवल का है ये, ठीक है। इसमें जो रिक्रूटमेंट निकली है ये 1 जनवरी को पोस्ट हुआ था, ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 29/12/2021 और इसकी जो फीस है वो अप्रॉक्स जनरल कैटेगरी के लिए 1000 प्लस है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 600 प्लस है, ठीक है, और एज है 21 ईयर टू मैक्सिमम 35 ईयर। 123 पोस्ट है सिविल जज जूनियर डिवीजन की, बैचलर डिग्री मांगी है, LLB की डिग्री है, किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए भारत की, ठीक है।
इसके अलावा फॉर्म भरने का सेम तरीका है, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, आफ्टर यू कैन फिल द फॉर्म। ओके, सो एमपी के लिए आप ये भर सकते हैं, राष्ट्रीय लेवल के होते हैं। आपको बेसिकली गवर्नमेंट जॉब चाहिए, इसमें ये मत सोचिए कि हम इतने दूर चले जाएंगे। अरे एक बार मिल तो जाए जॉब आपको, एक बार जॉब मिल जाए, सैलरी जब हाथ में आएगी तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग भी चेंज होने लगेगा। सो ये मत सोचिए कि आप रहते हो यूपी में और आपको मुंबई जाना पड़ेगा, ये ऐसा मत सोचो। अरे गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए बस आपको, ठीक है। और इसमें एक है एसएससी सीजीएल का, ये तो आपको पता चल ही गया होगा, ये तो आप लोग एकदम ग्रेट रहते हो। अगर तब भी नहीं भरा है तो ये भर दीजिए। केंद्रीय का है, जनरल के लिए 100 है और गर्ल्स के लिए नो फीस है, ठीक है। एससी और ओबीसी के लिए है नहीं इसमें, तो उनके लिए भी नहीं है। बैचलर डिग्री मांगी है आपके लिए, ठीक है, इन एनी स्ट्रीम्स। और क्या कहते हैं, कंबाइंड है, ये आपको पता ही है किस टाइप का है। 18 से 30 इसमें ईयर मांगी गई है। आप इनमें से किसी में भी एक फॉर्म भर सकते हो। इंडियन ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल सेक्रेटरेट सर्विस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स, बेसिकली सेंट्रल बेस्ड जॉब है। सो जिन्होंने अब तक नहीं भरी है भाई, भर लो, बहुत ही बेहतरीन जॉब है, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स करवा दूंगा, जितने भी 10 साल के हैं, ठीक है, विद आंसर की दूंगा आपको, और लिंक भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। सो इसके पर्पस, बल्कि मैं एसएससी सीजीएल का ही इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासेस होगी उसमें वही आपके लिए निकालूंगा, ठीक है। सो अप्लाई ऑनलाइन, अगर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, लॉग इन कर लिए। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है तो फॉरगेट पासवर्ड में जाइए, अपना ईमेल डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, और फिर लॉग इन आएगा, उससे आप कर दीजिए, ठीक है। वरना फिर क्या कहते हैं, अप्लाई ऑनलाइन के लिए पूरा रजिस्ट्रेशन एक बार भर दीजिए अपना, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा आपका। हर साल निकलता है और काफ़ी अच्छी है, सेंट्रल बेस्ड जॉब है, अच्छा पे करती करेगी आपको। तो ये मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी बैचलर डिग्री का बंदा है वो इसको फॉर्म को भर लीजिए, एक बार दीजिए, नहीं निकले कोई बात नहीं, दूसरी बार देना, बट ये है कि फोकस रखना, ठीक है। और कुछ हेल्प चाहिए तो मैं आपको मतलब करवाने वाला हूँ, बाकी दिन जितने भी बचे हो, पर आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर मैं करवाऊँगा, ठीक है। और उस बेस पे आप निकालते हो तो मुझसे आप सबसे बेहतर तो आपके लिए है, बाकी हम लोग तो सिर्फ बोल सकते हैं ना। दूसरा है सेबी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए है ये फॉर्म, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई भी फॉर्म भर दें, जो सीरियस है स्टूडेंट वही इस फॉर्म को भरिए। जनरल के लिए 1000 है और बाकी कैटेगरी के लिए 100 है, ठीक है। मिनिमम एज कुछ नहीं दे रखे हैं, मैक्सिमम 30 ईयर है। मास्टर डिग्री इन एनी स्ट्रीम या बैचलर डिग्री, LLB, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, चार्टेड अकाउंट CA, ठीक है। बैचलर डिग्री इन LLB, बेसिकली बैचलर डिग्री तो मांगी ही है, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर, ये सारी की सारी ए कैटेगरी के जॉब्स हैं, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हो, हाउ टू फिल द सेबी असिस्टेंट मैनेजर ऑनलाइन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, ठीक है। और बाकी अगर आपको ये करना है तो आप ये भी कर सकते हो, इसकी लास्ट डेट है 24/1/2020, ठीक है। 4 दिन बचे हुए, तो भर लो अगर भरना है फॉर्म, ओके। उसके बाद यूपी में निकली हुई है, यूपी और उत्तराखंड में तो निकली हुई है। उत्तराखंड में क्या, अभी जहाँ भी इलेक्शन होने वाले हैं ना, सब जगह निकली हुई है। सो फॉर्म भर दो, बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, निकाल देंगे आपको ये लोग, ठीक है। तो भर दो फॉर्म, थोड़ी सी मेहनत करो, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का बाकी, ठीक है। देखो इसमें निकली हुई है यूपी एसएससी में, फॉर राजस्व लेखपाल के लिए है ये। जनरल के लिए 25 है, अदर कैटेगरी के लिए सबके लिए 25 है, ठीक है। मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 40 ईयर्स है। राजस्व लेखपाल है, 8085 पोस्ट है इसमें। मस्ट बी अपियर्ड इन यूपी एसएससी पैट एग्ज़ाम, हाँ, पर इसमें आपको ये एग्ज़ाम आपने क्लियर किया हो तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, वरना आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो, ठीक है। तो ये बात क्लियर कर लेना, बाकी 12th बेस्ड जॉब है ये, ठीक है।
आप अगर इसमें हो तो देखो, जेंडर के लिए 3271 है, EWS के लिए 798, OBC के लिए 2174, SC के लिए 1690 और बाकी ST के लिए 152, तो टोटल 1085 जॉब है। सो ये निकली हुई है, इसका फॉर्म 28/1, 8 दिन बाकी है, तो इसको तुम भर लो। ठीक है, भर लो, अभी 5 साल बाद जब निकले ना निकले कुछ निकले, मतलब निकल निकलते तो हर महीने ही है बेसिकली, बट अभी निकलने का फायदा है। ठीक है, 28/1 ये हो गया आपका, 31/1 UPPCL की निकली हुई है। ठीक है, तो यूपी वालों भर लो फिर, ये असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म है 2022, मतलब से यूपी वाले नहीं अदर स्टेट के भी भर सकते हैं। ठीक है, जनरल की 1180 है, SC के लिए 826 है, PH दिव्यांग लोग जो होते हैं उनके लिए 12 है। ठीक है, लास्ट डेट है 31, मिनिमम है 21 ईयर, मैक्सिमम 40 ईयर्स के। असिस्टेंट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग 113 पोस्ट है, BE BTEC इंजीनियर डिग्री मांगी हुई है। ठीक है, बाकी ए इलेक्ट्रिकल पावर ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आप अपने हिसाब से देख लेना रजिस्ट्रेशन और क्या कहते हैं फिर अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, अब 28/2 यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर की भी आई हुई है फॉर्म, वही मैं कह रहा था यूपी और उत्तराखंड में जम के निकल रखी है इस टाइम पोस्ट, तो भर दो देखी जाएगी। मतलब जो पूरे साल ना किया होगा इस बार कुछ तो पढ़ा ही होगा ना, तो भर दो। ₹400 जनरल के लिए, SC के लिए 400 है, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी 400 है, मिनिमम 20 ईयर्स है, मैक्सिमम एज है 28 ईयर्स, और हेड ऑपरेटर की 936 पोस्ट है, 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा है। सो भाई जितने भी इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स है भाई, ये आपके लिए है जॉब, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस, IT, मैकेनिकल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसमें अगर जैसे आपको और चीज़ पढ़नी हो तो इसमें ना ये दे रखा रहता है हाउ टू फिल द फॉर्म वीडियो, ये फॉर्म में मतलब दूसरों की वीडियो ना देख के आप यहाँ पे जा सकते हो, सिंपल है हाउ टू फिल, किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, घर पे बैठ के भी तुम फिल कर सकते हो फॉर्म। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो मैं आपको दिलवा दूंगा कि फॉर्म कैसे भरते हैं। ठीक है, इसमें आपका हो गया, फिर ये निकली हुई है, मैं फिलहाल इस महीने की बता रहा हूँ। ठीक है, अगले महीने की मैं अगले वीकेंड में बताऊंगा। ठीक है, इस वीक के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो जिनके डेट निकलने वाली है उनको मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, एक ये निकली हुई है AWS आर्मी स्कूल TGT PGT PRT के लिए, पर ये प्राइवेट में है। ठीक है, ये सरकारी जॉब नहीं है, ये प्राइवेट में रख रहे हैं आप लोगों को, तो अगर आपने TGT PGT की हुई है तो ये AWS में जॉब निकली हुई है, भटिंडा में, आई थिंक इफ आई एम राइट 3385, हाँ एग्ज़ाम सेंटर यहाँ यहाँ है। ठीक है, 40 ईयर है, फ्रेश कैंडिडेट्स बिलो NCR 29 ईयर्स। ठीक है, ये है इसमें डिग्रियाँ। ठीक है, तो ये आप फॉर्म भर लेना, TGT PGT का है, जनवरी अप्लाई, AWS आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है, शूट अगर आपने किया हुआ है। ठीक है, और इच्छुक है आर्मी में जाने के लिए, टीचिंग ही है बेसिकली, टीचिंग का है। ठीक है, और इनका एक क्राइटेरिया है उसके अनुसार ही होगा, तो पहले फॉर्म भरने से पहले पढ़ लेना है एक बार कि किस किस तरीके का है, क्या क्या है। ठीक है, तो आप इसको देख लेना क्या चीज़ है, और फिर उसके बाद भर लेना, बहुत ही अच्छा ऑफर है वैसे भी गवर्नमेंट के लिए है, तो पहले लगोगे तो धीरे धीरे पक्के भी हो जाओगे। ओके, ये देख लेना आप इसको। इसके अलावा अगर इसका हो गया AWBS हो गया, दूसरा आपका ये रेलवे RCF अप्रेंटिस का निकला हुआ है। ठीक है, इसमें देख लेना, रेलवे कोच फैक्ट्री में निकली हुई है जॉब, लास्ट डेट है 31/1 इसी महीने की। ठीक है, OBC के लिए ₹100, बाकी के लिए 0 है। ठीक है, RCF एक्ट्रेट अप्रेंटिस जनरल के लिए 24 है, OBC के लिए 16 है, SC के लिए 4 है, ST के लिए 14 है, टोटल है 56 जॉब है, एज लिमिट है 15 से 24 साल, क्लास 10th हाई पास होनी चाहिए और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में जिसमें भी जॉब निकली हुई है। ठीक है, फॉर्म भरने का तरीका आपको पता ही है कैसे भरा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ऊपर अगर हम जाएँ तो अभी और कोई जॉब नहीं है, लेटेस्ट जॉब भी यही है इस महीने, जो कि जनवरी मंथ की है और ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आशा है आपने देख लिया होगा। आप ऐसे करिए, पहले तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, उसके बाद बेल बटन को दबाइए। बेल बटन से क्या होगा, जैसे ही मैं हर वीकेंड में डालूंगा
आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। आज मैंने ये सरकारी का निकाला, कल मैं प्राइवेट का निकालूंगा, ठीक है। प्राइवेट में तो खैर ये है नहीं, तो प्राइवेट में मैं चाहूँगा कि आपको जब भी मैं करवाऊँ उसमें लास्ट में थोड़ा सा लिंक दे दूँ आपको, ठीक है। तो बाकी आप ये करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद साथियों, बाद में मिलते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।